वीडियो शुरू करने से पहले बस्सी की तरफ से एक प्रो टिप। मान लो कि आपका कार्डियो नहीं हो रहा हो और आपको कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा हो, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, उस लोकेशन का गूगल मैप ऑन करना है और चले जाना है। बेशक वो 1 किलोमीटर हो, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर हो, उससे क्या होगा, उससे आपकी कैलरी बर्न होगी और जो आपने जंक फूड खाया वो बर्न होगा और आपका कार्डियो होगा। तो ये थी मेरी तरफ से, बस्सी की तरफ से प्रो टिप। और नमस्ते भाइयों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट बस्सी ट्रैवल टॉक्स। लेके आया हूं एक नया व्लॉग। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये मंडे व्लॉग। हे गाइस, सो इट इज़ द नेक्स्ट डे और अभी है 4:19 और मैं अभी हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अभी हूँ जयपुर में। तो जयपुर आने के लिए आपको हमें लगे हैं ये 5 घंटे 30 मिनट, और अगर आप गाड़ी से आ रहे हो तो आपको लगेंगे 5 घंटे 30 मिनट, प्लेन से आ रहे हो तो उससे भी जल्दी पहुँचोगे, और अगर ट्रेन से आ रहे हो तो आप पहुंचोगे ये लेट नाइट को पहुंचोगे। तो अभी हमने लंच कर लिया है, और हाँ, लंच आप ये होटल में मत करना, पहले बता दूं, क्योंकि होटल का थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। यू हैव टू लूज इन योर पॉकेट इन अ होटल, एंड तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, किसी अच्छे से ईटिंग जॉइंट में जाना पड़ेगा लंच करने के लिए, और डिनर भी बाहर ही करना पड़ेगा क्योंकि ऑफिस रीजन, जैसा मैंने इस वीडियो क्लिप में आपको बताया। तो ये मेरा रूम है, ये मैं अभी हूँ अपने कमरे में, और दिखाता हूँ आपको ये रूम। तो ये टीवी, ये एंट्रेंस, ये सोफा कम बेड। तो एंट्री कुछ ऐसी है, यहाँ पे मेरा सामान, ठीक है, यहाँ पे मेरा सामान, और यहाँ पे जाते हैं तो पापा का रूम, ये पापा का रूम कुछ ऐसा है, पापा मम्मी का रूम, और ये शीशा है, यहाँ पे वॉशरूम है जो कि बहुत बहुत ही भरा है। आई एम सॉरी अगर आप ये खाना खा रहे हो और ये वीडियो आप खाना खाते हुए देख रहे हो, तो आई एम सॉरी। और ये एक और आईना, ये मेरे पीछे बाथटब, ये बाथटब, ये बेसन, ये बाल्टी अगर आपको नहाना है तो, शावर से नहाना है तो, और ये जो कमरा है वो आप आराम से ये 3-4 लोग स्टे कर सकते हो। ये सामने रोड है, इस तरफ चले जाओगे तो 2 फोर्ट आते हैं और ये जलमहल आता है, इस तरफ चले जाओगे तो आपका बोरा बाज़ार, संडे बाज़ार, और पता नहीं कौन कौन से बाज़ार है। और ये जो होटल है वो आपका ये प्राइमली लोकेटेड है, और होटल का नाम है क्लब महिंद्रा जयपुर। बस छोटा सा ये होटल है, और आज के लिए, फ़िलहाल के लिए बस इतना ही इस वीडियो पे। और तो मैं आपको मिलता हूँ कल नहीं, तो ये भी मेरी तरफ से रूम टूर, और अभी चलते हैं होटल यूनिट को चेकआउट करने। तो मेरी तरफ से एक टिप, तो फॉर एग्जांपल आप जयपुर में हो, शिमला में हो, मनाली पे हो, गोवा में हो, या कहीं पे भी हो दुनिया के किसी कोने में, या डोमेस्टिक में हो, कहीं पे भी हो फॉर एग्जांपल, तो आपको लोकल बन जाना है, और लोकल इतना लोकल नहीं बनना है कि आपके जो कपड़े लत्ते सब बिक जाए और आप सड़क पे आ जाओ और आपके पास ये आने को
आने को, खाने को, रहने को, पीने को, पानी पानी के आप पैसे ना बचे, तो बस फिर लोकल बनना है और बार्गेनिंग करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये रिक्शा वाला कह रहा है कि आप ये मैं इतने पैसे लूँगा, तो आपको बार्गेनिंग करनी है, और अगर वो नहीं माने तो पैदल चलना शुरू कर दो। शुरू तो कर सकते हो, पहले चलना शुरू कर दो, और ये फिर उसके बाद आपकी बॉडी में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। नंबर वन, ये हेल्थ इशू इम्प्रूव होगी, कैलरी बर्न होगी, ठीक है, और आपका कार्डियो होगा, और ये जो भी आपने खाया, मीठा, नमकीन, तीखा या जो भी, वो सब बर्न होगा। तो ये थी मेरी तरफ से ये कुछ टिप। और हाँ, अभी मैं पी रहा हूँ अपना दूध, तो मिलता हूँ आपको कुछ देर बाद। तो दोस्तों, मैं हूँ अभी जयगढ़ पे, और जयगढ़ का ये मानना है कि यहाँ पे ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप है, तो इसी तोप को देखने मैं आया हूँ। और मैं चोरी छुपे ये व्लॉगिंग कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 200 रुपये टिकट है ये वीडियोग्राफी व्लॉगिंग करने की। और बस फिर तोप देख के निकलते हैं अपन लोग। और अगर आपको ये मेरी इतनी मेहनत आपको अच्छी लगी, तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और लाइक और सब्सक्राइब दोनों करना है अगर आप इस चैनल पर नए हो तो। तो चलो, तो अब देखते हैं। जी ठीक है। तो दोस्तों, मैं अभी खड़ा हूँ ये तोप के सामने, यकीन नहीं हो रहा। तो ये रही तोप, और इस तोप का कहा जाता है कि एशिया की सबसे लार्जेस्ट तोप है ये। और इस तोप से पता नहीं कितना किलोमीटर तक दूर ये जो यहाँ का जो राजा था जय सिंह, वो इस तोप को ये यूज़ करता था। और यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको लगेगा पैदल 13 से 14 किलोमीटर, और बाय ऑटो आपको लगेगा मुश्किल से 15-20 मिनट। तो आपके ऊपर है, आपको पैदल आना है या ऑटो लेके आना है। ऑटो वाला लेगा आपके 50 या 100 रुपये, तो आपके ऊपर है। तो भैया, वीडियोग्राफी कर सकता हूँ ना? तो ये मेरे पीछे ये जल महल, जैसा कि आप, ये सामने जल महल, और बस फिर ये यही था जयगढ़ फोर्ट। और अब नीचे चलने की बारी, तो देखते हैं शाम को कहाँ जाता हूँ मैं। तो बने रहिए, अगर यहाँ तक हो, यहाँ तक पहुँच गए हो, तो देखते रहिए आगे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे आ रहे हो, अपनी पानी की बोतल लेके आना, और पानी जितना कैरी कर सकते हो उतना कैरी करना, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं मिलेगा, पहले बता दूँ, और डिहाइड्रेशन होगी आपको, जो कि मेरे को भी हो रही है।
तो यार वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार बता दूँ कि मेरी कोई शादी वादी नहीं हो रही और कुछ ही दिन में मेरा बर्थडे आने वाला है और मैं हो जाऊँगा 23 साल का। तो ये मत सोचना कि मेरी कोई शादी वादी हो रही है और मैं ये बैचलर ट्रिप दी है मैंने अपने आप को, तो ये मत सोचना। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल पर नए हों तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें। तब तक के लिए नमस्ते, शब खैर। मैं आपको मिलता हूँ मंडे को।